Welcome viewers, today's topic is specimen of contract cost accounting. आज हम आपके सामने में contract cost accounting का नमूना पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बतलाए थे कि contract cost accounting transactions in between contractor and contractee and their agreement से related accounting है। निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आपके द्वारा किए गए कामों का हम टोटल पेमेंट क्या करेंगे, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और जैसा कि यह भी हम आपको बतला चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जब काम किया जाता है तो एट ए टाइम उसके पास बहुत सारे साइट रहते हैं जिस पर कि वो काम करता है, और अकाउंटिंग डेट चूँकि प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है इसलिए फिक्स्ड डेट रहता है। वो पीरियड क्या होगा डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर पर, 6 महीने में एवरी या ईयरली बेसिस पर वो अकाउंटिंग बनाता है या 9 मंथ्स के लिए बनाता है, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर पर। जिस दिन भी वो अकाउंटिंग बनाएगा निश्चित रूप से अपने सभी साइट के पोजिशन को देखेगा। तो हम आपको बतलाए हैं कि साइट पोजिशन दो नेचर का हो सकता है, आइदर वर्क इज़ कम्प्लीटेड, 100% वर्क कम्प्लीट हो गया होगा अकाउंटिंग डेट तक किसी साइट पर, या किसी साइट पर काम की स्थिति जो है 1% to 99%, मतलब 100% से नीचे हुआ है लेकिन काम स्टार्ट हो चुका है किसी भी लेवल में। ऐसी स्थिति में दोनों कंडीशन में क्या अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग बनाई जाती है, उसी का स्पेसिमेन या नमूना हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में देने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं विस्तार से। अगर आप इन बातों पर गौर कीजिएगा तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में इस नमूना या स्पेसिमेन की जानकारी पूछा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ निश्चित रूप से अगर आप स्पेसिमेन का आइडिया रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में, स्पेसिमेन में, नमूना में प्रेजेंट करना है, प्रिपेयर करना है, तो ये हेल्पफुल होगा फॉर द पर्पस टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, आइदर इन केस ऑफ कॉम्प्लीटेड साइट का क्वेश्चन हो और इनकॉम्प्लीटेड साइट का क्वेश्चन हो। दोनों स्थिति में ये हमारा स्पेसिमेन इफेक्टिव होगा, कारगर होगा या निश्चित रूप से मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम आपको बतलाएं कि कॉन्ट्रैक्ट साइट के पोजीशन को देखें, साइट पोजीशन को देखें तो दो तरह का पोजीशन आपको नज़र आता है। एक है हमारा कॉम्प्लीटेड साइट का पोजीशन, कॉम्प्लीटेड पोजीशन होगा हमारा। इस कंडीशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट्स। अगर साइट का नंबर है तो नंबर दे देंगे उसका, या नाम है तो नाम दे देंगे। फॉर द पीरियड एंडिंग, जिस पीरियड के अंत में बनाया जा रहा है उसका डेट दे देंगे। और अकाउंट बन रहा है प्रॉफिट लॉस के जानकारी के लिए तो जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोफॉर्मा या कॉलम बनाएंगे, और कॉलम का नाम हेडलाइंस आप जानते हैं पार्टिकुलर अमाउंट्स और पार्टिकुलर अमाउंट्स के नाम से होगा। डेबिट साइड में होने वाले सभी एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस किस नेचर के आइटम में हो सकता है, तो निश्चित रूप से मटेरियल का डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, ओपनिंग हो सकता है, परचेजेस हो सकता है, मटेरियल इस साइट पर इन हो सकता है या फ्रॉम स्टोर्स आ सकता है, कहीं से भी आएगा, फ्रॉम अदर साइट आ सकता है, कहीं से भी आएगा तो डेबिट साइड में दिखलाएंगे इसके वैल्यू को। इसके अलावे वेजेस एंड लेबर चार्जेस का पेमेंट होगा, पेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग है फिर भी हमारा एक्सपेंस हो चुका है उस पीरियड में, इसलिए उसको भी हमें शो करेंगे, दिखलाएंगे। इसके अलावे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम का अगर कोई वैल्यू है तो उसे भी हम शो करेंगे।
और साथ ही साथ अगर एसेट्स का यूज़ हो रहा है तो एसेट्स या प्लांट का ओपनिंग वैल्यू डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से अप टू अकाउंटिंग डेट अगर मटेरियल साइट पर बचा हुआ है या मटेरियल को हम सेल कर लिए किसी रीज़न से या वेस्ट हो गया है, यूज़ नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जानने के लिए आवश्यक रूप से उसे हम क्रेडिट में दिखलाएंगे। कंज्यूम्ड मटेरियल ही अकाउंटिंग में एक इफेक्ट डालना चाहिए या उससे इसे सही कॉस्ट की जानकारी होगी। कंज्यूम्ड मटेरियल जानने के लिए इस सभी ओपनिंग परचेजेस या जो भी साइट पर आया मटेरियल में से क्लोजिंग सेल आउट वेस्ट को हम माइनस कर देंगे अर्थात क्रेडिट साइट में दिखला देंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की सही सही जानकारी हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का सही वैल्यू मालूम हो जाएगा। इसी कारण से मटेरियल का आउट वेस्ट सोल्ड या क्लोजिंग वैल्यू है या ट्रांसफर टू अदर साइट है, सभी को हम क्रेडिट में शो करेंगे और फिर एसेट्स का क्लोजिंग वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू घटाने के बाद एसेट्स का भी क्लोजिंग वैल्यू शो करेंगे। ये कैसे आएगा? तो ओपनिंग वैल्यू माइनस आउट वेस्ट सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ माइनस कर लेंगे रफ में वर्किंग में और तब जो वैल्यू आएगा क्रेडिट में शो करेंगे। तो निश्चित रूप से हम कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्लेम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्लेम करेंगे, हम शो करेंगे रिजल्ट, एक्सपेंस कर दिए हैं, काम पूरा हो गया है तो अब हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलना चाहिए, मिलेगा, इनकम का रूप है इसलिए क्रेडिट साइड में शो करेंगे और फिर फाइनली डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो इसे हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं और ऐसा चूंकि बहुत सारा साइट होगा कॉन्ट्रैक्टर का इसलिए हर एक प्रॉफिट को एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट किसी एक सर्टेन पीरियड का कॉन्ट्रैक्टर का कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए ट्रांसफ़र टू जनरल पीएल अकाउंट जीपीएल, बाय चांस डिफरेंस इधर आया तो कहलाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। इसी तरीके से अगर काम इनकम्प्लीटेड पोजीशन में है, इनकम्प्लीट साइट है, उस कंडीशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट कैसे बनेगा? तो हेडिंग देंगे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट साइट का नाम या नंबर फॉर द पीरियड एंडिंग जो भी डेट ऑफ प्रिपरेशन है अकाउंटिंग डेट है और कॉलम उसी तरीके से दो साइड में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले पार्टिकुलर अमाउंट्स डेबिट के लिए फिर पार्टिकुलर अमाउंट्स क्रेडिट के लिए कॉलम का हेडलाइन होगा। क्रेडिट में भी पार्टिकुलर अमाउंट्स के नाम से कॉलम रहेगा। डेबिट साइड में हम सभी एक्सपेंसेस को शो करेंगे, जैसा कि बतलाए मटेरियल के नाम का एक्सपेंस होगा, उसका ओपनिंग वैल्यू होगा, उसका परचेजेस होगा, फ्रॉम अदर साइट आ सकता है मटेरियल, मटेरियल किसी भी रास्ते से अगर आ रहा है तो डेबिट में दिखलाएंगे, फ्रॉम स्टोर्स आ सकता है, जस्ट अपोजिट मटेरियल का अगर क्लोजिंग है, क्लोजिंग मीन्स ऑन अकाउंटिंग डेट अगर कोई वैल्यू ऑफ मटेरियल है तो उसे क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। सेल है तो सेल हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, याद रखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग है कॉस्ट वैल्यू से। वेस्ट है, आउट है, ट्रांसफर टू अदर साइट है, सब क्रेडिट में शो करेंगे।
इस तरीके से मटेरियल का यूज़ हम अकाउंटिंग के रूप में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखलाएंगे। ट्रांसफर टू अदर साइट, इसके पश्चात आप जानते हैं वेजेस एंड लेबर के नाम का एक्सपेंसेस होगा किसी भी साइट पर काम को करने के लिए, लेबर चार्जेस और एक्सपेंस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और इसी तरीके से एसेट्स या प्लांट का, एसेट्स मशीन प्लांट जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स इंट्रोड्यूस किया गया, यूज़ किया गया है, उसका ओपनिंग वैल्यू यहाँ शो करेंगे। और एसेट्स का भी अगर सेल है, वेस्टेज है एसेट्स का, ट्रांसफ़र टू अदर साइट है, सब क्रेडिट में शो करेंगे। और इन सब को कंसीडर करते हुए, इन सब को कंसीडर करते हुए और फिर फाइनली डेप्रिसिएशन उस पीरियड का यूज़ किया हुआ पीरियड का, साइट के पर यूज़ किया हुआ पीरियड का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे हम कहेंगे क्लोजिंग वैल्यू, और यही अमाउंट में शो करेंगे एसेट्स का। तो डेबिट में ओपनिंग वैल्यू आएगा, क्रेडिट में क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स आएगा। और फाइनली जब काम इनकम्प्लीटेड पोजीशन में है तो काम के रिजल्ट को या पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट को हम WIP वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो करते हैं। और वर्क इन प्रोग्रेस में दो वैल्यू होता है, आइदर उस डेट तक कोई साइट का इंस्पेक्शन होकर के वर्क सर्टिफाइड है तो सर्टिफाइड वैल्यू आएगा, और उस सर्टिफाइड डेट के बाद अकाउंटिंग डेट तक का भी अगर कोई काम है तो उस वैल्यू को हम वर्क्स अनसर्टिफाइड कहते हैं। इन दोनों के वैल्यू को शो करने के बाद फाइनली रिजल्ट या डिफरेंस हम निकालते हैं। चूंकि इनकम्प्लीट पोजीशन में है ये रिजल्ट, इसलिए इसे हम बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। और इस बैलेंस CD को बैलेंस BD के नाम से हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। चूंकि इनकम्प्लीटेड पोजीशन में है इसलिए निकले हुए रिजल्ट को टोटल अमाउंट से हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से क्या अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा एज़ पर रूल, जिसकी जानकारी हम डिटेल में विस्तार से आपको आगे के वीडियो में कराएंगे, उससे एक थियोरी क्वेश्चन भी 20 मैक्सिमम मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ अकाउंट को क्लोज करने के पर्पज़ से भी उस रूल को जानने की विस्तार से ज़रूरत है, हम आगे के वीडियो में उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस में एज पर रूल जो अमाउंट निकल करके आता है नियम से उसे हम लिखेंगे, और फिर भी अकाउंट में डिफरेंस आता है, अगर PL में कोई अमाउंट नहीं जाना है तब भी डिफरेंस आता है, या PL में जाने के बाद भी डिफरेंस आता है, तो उसे WIP के नाम से लिख करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से इनकम्प्लीटेड साइट के पोजीशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का स्पेसिमेन या नमूना क्लियर होता है। और कम्प्लीटेड में अनडाउटेबली काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए पूरे अमाउंट को हम क्लेम करेंगे और मिलेगा, मिलना चाहिए, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के नाम से रिजल्ट में शो करेंगे। और फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा, डिफरेंस आएगा, हम उसे प्रॉफिट लॉस में टोटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लॉस ये है। अगले वीडियो में हम आपके सामने में जो बातें प्रेजेंट करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इन दोनों परिस्थिति में अकाउंटिंग के लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनका हम व्यवहारिक रूप में जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से देंगे। पहले कॉम्प्लीटेड केस में कुछ क्वेश्चन लेकर के हम उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, अकाउंटिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे, और इसके पश्चात आने वाले वीडियो में हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट साइट के कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसकी हम जानकारी कराएंगे, साथ ही साथ उसके प्रॉफिट ट्रांसफ़र के नियम की विस्तार से जानकारी कराएंगे। तो फिलहाल आप इन बातों को बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा, इस दोनों अकाउंटिंग को देखिए, तो यहाँ तक कि अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो कॉम्प्लीटेड हो चाहे इनकम्प्लीटेड हो, दोनों ही स्थिति में एक जैसा अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट में आता है। यहाँ पर भी देखिए,
यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ तक कि अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट में है। अगर कॉम्प्लीटेड साइट है तो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शो करते हैं, अगर इनकम्प्लीटेड साइट है तो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को शो करते हैं। बस डिफरेंस दोनों कंडीशन में अकाउंटिंग में यही है। और इन बातों को जानने के बाद हमें उम्मीद है आप इस पर बहुत गौर कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इस नमूना को बनाने का देखने का कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ कभी कभी इमेजिनरी फिगर के साथ ये स्पेसिमेन पूछा जाता है, इमेजिनरी फिगर में आप अंदाज से अपने वैल्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं और कोशिश करना चाहिए कि क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा हो, रिजल्ट हमारा डेबिट में निकले। वैसे किसी भी साइड में निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट में निकलता है तो प्रॉफिट कहलाएगा, क्रेडिट में निकलता है तो क्रेडिट लॉस कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इमेजिनरी फिगर के साथ अगर बोलता है तो काल्पनिक या मन से आप वैल्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं और कोशिश करना है कि क्लोजिंग वैल्यू और रिजल्ट जो है हमारा निश्चित रूप से एक्सपेंसेस या कॉस्ट से ज़्यादा मोस्टली आता है, आना चाहिए। इसलिए क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा हो, डिफरेंस बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट में निकले। एक चीज़ और हम आपको बतलाएंगे, अगर इनकम्प्लीट साइट के कंडीशन में बाई चांस डिफरेंस क्रेडिट में निकल जाता है, बैलेंस सीडी क्रेडिट में निकल जाता है, तो हम आपको बताएं एक्सेस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना सही नहीं है पीएल में। लेकिन अगर अपोजिट रिजल्ट आता है तो डायरेक्ट हम पीएल में ट्रांसफ़र करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तब ऐसी स्थिति में हम बैलेंस को बैलेंस सीडी के नाम से न लिख करके बाई डायरेक्ट पीएल अकाउंट के नाम से लिख करके क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर डेबिट में रिजल्ट आता है तो चूंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू पर बेस्ड प्रॉफिट है और प्रॉफिट कहीं एक्सेस होगा तो परेशानी हो जाएगी, इसी कारण से हम इसे बैलेंस बीडी के रूप में कैरी करके और एज़ पर रूल प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे वैल्यू और रिमेनिंग वैल्यू को WIP के नाम से लिख करके अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये अकाउंटिंग और आगे बढ़ेगा जब तक कि हमारा साइट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये जो हमारा WIP है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग में WIP के नाम से बैलेंस के रूप में शो करेंगे, तब आगे के अकाउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे हम। हमें उम्मीद है आप हमारी बात को बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या आती है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम यथासंभव आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आज के पेंडेमिक समय में अगर आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो अधिकांश बच्चों को घर में इस तरह की जानकारी का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो समय उनके पास अभी खाली समय है उसका सदुपयोग होता है, उसका एंगेजमेंट होता है, तो मेंटली फिजिकली हर तरह से उनके लिए फ़ायदे की बात है। जो माहौल है उसके अनुसार से ज़रूरी है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बार बार देखिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।